देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का अपने तमाम दर्शकों और तमाम पैनलिस्ट को सादर नमस्कार। आप जानते हैं किसान आंदोलन कई महीनों से गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद भी किसान आंदोलन जारी है। बार बार किसान नेताओं से अपील की जा रही है कि वो टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर दें, सिंधु बॉर्डर को भी खाली कर दें, लेकिन किसान नेता अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन को नए सिरे से शुरू किया जाएगा। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार और उसकी दुखद मृत्यु की खबर ने किसान आंदोलनकारियों के चेहरे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने ये माना है कि लड़की की दुखद मृत्यु हुई थी। यही नहीं, लड़की की दुखद मृत्यु के बाद उसका सार्वजनिक तौर पर शव यात्रा निकाली गई और उसको शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन अब लड़की के पिता की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इसी पर हमने आज का पोल पूछा था, आज का सवाल पूछा था, किसान का साथ देने आई बेटी के गुनहगार कौन। इसे 85% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। लड़की कोलकाता से आती है। पश्चिम बंगाल में जब किसान आंदोलनकारी नेता गए थे तब उनके साथ वो दिल्ली आई थी। लड़की के साथ ट्रेन के अंदर भी उसके साथ ट्रेन के अंदर भी गलत व्यवहार होता है। लड़की बकायदा इसकी शिकायत भी करती है उन नेताओं के साथ जिनके साथ वो आई थी, लेकिन उसके बावजूद उसे टीकरी बॉर्डर ले जाया जाता है। उसको एक टेंट के अंदर रखकर मजबूर किया जाता है कि वो उसी टेंट को दो और लोगों के साथ शेयर करे। उसके बाद उसके साथ बलात्कार होता है और उसके बाद लड़की कोविड पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद एक अस्पताल के अंदर उसका इलाज होता है। उसके वो अपने पिता से पूरी की पूरी आप बीती सुनाती है। लड़की की एक दोस्त उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड करती है कि कैसे उसके साथ अत्याचार हुआ, कैसे उसके साथ दुष्कर्म हुआ और कैसे उसकी मौत हो गई। लेकिन किसान नेता इसके बावजूद भी FIR नहीं लिखवाते हैं, FIR लड़की के पिता लिखवाते हैं। सवाल यह है कि क्या किसान नेता खुद जज और खुद अदालत हो गए हैं। सवाल यह भी उठता है कि किसान आंदोलन के नाम पर कोलकाता से लाई गई लड़की के सामूहिक दुष्कर्म के जिम्मेदार क्या किसान नेता नहीं है? क्या है पूरा मामला, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सवाल यहां पर कई सारे हैं। क्या किसान नेताओं ने इस पूरे सच को छुपाया? क्या किसान नेताओं ने लड़की से बलात्कार की बात छुपाई? किसान नेताओं ने उसे शहीद का दर्जा तो दे दिया, लेकिन क्या उसके साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ उसकी बात को जानबूझकर छिपा कर रखा? ये कई सारे सवाल किसान नेताओं पर उठ रहे हैं। योगेंद्र यादव का ये दावा है कि लड़की ने 2 लोगों के नाम लिए थे, लेकिन 6 लोगों के खिलाफ FIR क्यों दर्ज हुई? अब सवाल ये हो रहा है यहाँ पर कि आखिरकार किसान नेता क्या सोच रहे हैं। अब ऐसे में चूंकि किसान नेताओं ने मंच दिया था, किसान नेताओं के टेंट के अंदर ये सब कुछ हुआ, तो क्या किसान नेताओं पर मुकदमा चलना चाहिए? ये मांग भी कई संगठनों के द्वारा हो रही है कि तमाम किसान नेताओं पर मुकदमा चले। इसका जवाब हाँ या ना में आप हमें दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे सबसे पहले अपने तमाम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ किसान नेता रमणीक मान जुड़ गए हैं, जो हमेशा से किसान आंदोलन का विरोध करते आए और उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन की मुद्दे जो हैं वो जायज नहीं है। मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मेरे साथ चौधरी सवित मलिक है, जो कि एक किसान नेता है और इस पूरे किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवित मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सवाल ये है, किसान नेताओं ने इस पूरे मामले को छिपा के क्यों रखा? ये बताइए, लड़के की पिता को FIR क्यों दर्ज करनी पड़ी? योगेंद्र यादव को ये पूरी जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने FIR क्यों नहीं करवाई? दीपक जी, जब इस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उसके बाद इसके पिताजी इसके साथ में थे। इसके बाद में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, जब भी पिताजी साथ में थे, इनका अस्थि कलश लाके मंच पर रखा गया, उस वक्त भी वो साथ थे और सब लोगों ने मिल बैठ के बात किया। 8 दिन बाद, 10 दिन बाद क्यों FIR करते हैं उसके पिताजी?
और वो खुद प्रेस वार्ता करके ये कह रहे हैं कि हम दो लोगों के पर ऊपर आरोप सोशल लगा मीडिया रहे में हैं। ये अब मतलब आप जो लड़की जिसकी दुखद मृत्यु हो गई उसी के पिता पर सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है हम पिता गलत शिकायत करेंगे इसलिए खुद और लड़की उनकी के बेटी की दुखद मृत्यु भी हो गई है उसके बाद पिता गलत शिकायत करेंगे कि बेटी के साथ जो है वो दुष्कर्म हुआ सामूहिक। गजब बात करते हैं समित मलिक जी। दीपक जी, लड़की के पिताजी खुद कह रहे हैं कि हमने दो लोगों पर FIR की है और पुलिस ने उसको 6 में कन्वर्ट कर दिया है। किसानों ने जब भी इसके लिए कोई भी उनको पता लगा है, तुरंत उन लोगों को अपने आंदोलन से बाहर किया है और आज भी सजा दिलाने में उनके साथ रहेंगे। हम लोग लड़की के साथ खड़े हुए हैं, वहां पर इतनी सारी आपने FIR लिखवाई समित मलिक जी, बताइए क्या किसान नेताओं ने FIR लिखवाई? क्या किसान नेताओं को ये पता नहीं था? किसान नेता लगातार लड़की के पिताजी के टच में थे, उनकी लगातार बात हो रही थी, जो भी हुआ है उनके बातचीत करने के बाद हुआ है और उनके पिताजी ने ही FIR कराई है। और अगर वहां कुछ भी गलत हुआ है तो संयुक्त मोर्चा तो आप लोगों ने क्यों नहीं कराई साहब? जो कुछ हुआ टीकरी बॉर्डर पर हुआ, किसान आंदोलन के टेंट में हुआ। अरे आप तो अभी सवाल उठा रहे हैं कि दो लोगों के नाम है, 6 के खिलाफ FIR क्यों हो गई और आप दंडात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं? लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे गजब डबल स्टैंडर्ड है आपके। लड़की की मदद कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़की की मदद कर रहे थे, उनको भी FIR कर दिया है। वे जो दो महिलाएं हैं उन महिलाओं ने लड़की की मदद की है। इसका मतलब आपको जानकारी थी लड़की के साथ क्या हुआ? लड़की के एक्सपायर होने का मतलब आपको जानकारी थी कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ और आपने जबरन उसको शहीद का दर्जा दिया? नहीं है, अब ये निराधार बनाया जा सकता है? 10 दिन बाद क्यों FIR हो रही है? पहले क्यों नहीं FIR करी जब लड़की के पिताजी भी वहां पर थे और वो खुलेआम नाम ले रहे हैं दो लोगों का? गजब है, आपके आंदोलन में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, देश की एक बेटी की मौत हो गई और आप उस पर सवाल उठा रहे हैं? उसको जोड़ा जा रहा है, किसानों ने सहसम्मान उसका अंतिम संस्कार किया है, उसकी यात्रा निकाली है। नुपुर शर्मा जी जुड़ गई है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। नुपुर जी, ये पिता पर ही सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं पिता ने 10 दिन बाद FIR क्यों की, जबकि किसान नेताओं को इस पूरे मामले की जानकारी थी, उन्होंने इस बात को अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कल माना है। देखिए, सबसे पहली बात, आपने सबसे अहम सवाल पूछ लिया दीपक जी की, अगर आपको सारी जानकारी थी तो खुद ही क्यों नहीं FIR दर्ज करवा दी? मैं आपको याद दिला दूं, जिस दिन ये बाहर आया कि ये एक कोरोना के चलते हुए मौत हुई है एक जवान लड़की की, उस दिन भी हम टीवी डिबेट पे बैठे हुए थे और एक किसान नेता एक ही चीज पर अड़ियल थे, अरे जी नहीं उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, हम तो नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारा किसानों का जो प्रदर्शन है वो कोरोना प्रूफ है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं तो एक रिट पिटिशन हमारे एक कोर्ट में एक साथी ने ऑलरेडी दर्ज कर चुकी है, जिस दिन ये टिकरी बॉर्डर पे इस महिला की मौत की मृत्यु की बात बाहर आई थी, और आज मैंने उन कुलीग से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये उस बिटिया का बलात्कार हुआ था, एक मृतक लड़की के पिताजी जो चल बसी है क्या इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, जिन्होंने अपना बच्चा गवा दिया कि बेटी के हुआ है, और इनके साथ ही योगेंद्र यादव जिसने आज तक कभी घास नहीं उगाई उगाई होगी, लेकिन तमाम बॉर्डरों पे तमाम किसान प्रदर्शन पे सबसे आगे रहते हैं वो सबसे पहले कहते हैं हाँ मुझे पता है लड़की का हरियाणा में मेरी उससे बात हुई थी, मतलब इन सबको पहले से पता था कि लड़की के साथ क्या बदसलूकी हो रही है, उसके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ अबडक्शन हुआ है, उसके साथ रेप भी हो रहा है, इन सबको पहले पता था लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करी। अरे रोकते तो राकेश टिकैत कैसे नेता बन जाता, ऐसा नेता जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, ऐसा नेता जिसने खुद का टीकाकरण तो करा लिया, लेकिन वहां जो हजारों सौयों लोग बैठे हैं बॉर्डरों के ऊपर, जो कोरोना संक्रमण ऐसे जीते जागते रिस्क को हर रोज देख रहे हैं, उससे निपट रहे हैं, उनके टीकाकरण का कुछ नहीं है, ये 2 वक्त की 2 रुपए की राजनीति चल रही है इनकी दीपक जी, लेकिन आज सच्चाई ये बाहर आ गई। और आज मैं आपसे पूछूंगी दीपक जी, आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहाँ है? आम आदमी पार्टी के 6 में से 2 लड़के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके नाम आए बलात्कार के अंदर, कहाँ है वो लोग? योगेंद्र यादव कहाँ है जो हर बात पे बोलने को आ जाता है टीवी के ऊपर? जी ये बताइए, आप लोग मुद्दा ढूंढते हो, आपके बस की कुछ नहीं है। अरे लड़की की कहीं FIR में डॉक्टरी भी हुई होगी, हॉस्पिटल में होगी, क्योंकि लड़की का बलात्कार हॉस्पिटल में उसकी डॉक्टरी हुई है, उसमें कहीं रेप आया है,
आपका की आप लोगों का मुद्दा चाहिए किसानों को बदनाम करने का। आप लोग कभी कहते हो नक्सली है, कभी कहते हो उग्रवादी है, कभी कहते हो खालिस्तानी है, कभी कहते हो पाकिस्तानी है। आप लोगों को तो मुद्दा चाहिए। सविता मलिक जी अब एमएसपी की गारंटी तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक 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 बेटी के रेप और हत्या से आपके हाथ सने हुए हैं किसान नेताओं के। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब किसान नेताओं को डूब कर मर जाना चाहिए कि उनके आंदोलन के तले ऐसी बात हो रही है। किसान संयुक्त मोर्चा पहले दिन से कह रहा है, अरे भाई अभी तो आप डिफेंड कर रहे हैं कि दो की जगह छह के खिलाफ FIR क्यों हो गई। हम कह रहे हैं अगर कोई भी इस आंदोलन में गलत करेगा, कोई ऊपर ये बताइए क्या ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर बलात्कारियों को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। ऊपर ये बताइए सविता मलिक जी की जो लैंग्वेज है क्या वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं बलात्कारियों को। दीपक जी लड़की के पिताजी ने संयुक्त मोर्चे को क्लीन चिट दी है, उन्होंने कहा ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। बोलूंगी ये कभी किसान आंदोलन था ही नहीं, जो प्रधानमंत्री की किसान निधि योजना के तहत पैसे पहुंचते हैं। असल किसान आंदोलन नहीं था, ये बंगाल आंदोलन था। ये बंगाल आंदोलन था क्या? टीवी पे बने रहने वाली राजनीति जाने वाली। हमने कहा था वोट की चोट देंगे, जैसे आम आदमी पार्टी लग गया वोट की चोट कैसा होती है रही है उसको लेके उछलते रहे। वोट की चोट का पता लगा आपको? अभी आगे पंजाब में देंगे, उत्तर प्रदेश में देंगे। आप कह रहे किसान आंदोलन नहीं है, अरे ये बंगाल का आंदोलन है क्या? किसान आंदोलन से क्या लेना देना था? ये किसान आंदोलन आप लोग बैठ कर यहाँ पर कहते हो किसान ही नहीं है, कभी कहते हो ये तो मुट्ठी भर किसान है, कभी कहते हो इतने किसानों से क्या बिल वापस हो जाएंगे। मंत्री हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी के साथ बैठक हुई, उसके बावजूद ही माने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि औरतों और बच्चों का कोई लेन देन नहीं है। पिज्जा पार्टी चल रही है, डिस्को चल रहा है, ड्यूटी पार्टी। आप लोगों की तरह लोगों की ऑक्सीजन तो नहीं पी गए हैं? अरे सेवा कर रहे हैं देश की, देश को बेच नहीं रहे हैं, देश की पूरी हो रही है। एक मिनट के लिए आप दोनों को रोकूंगा, मैं दोनों को रोकूंगा। मेरे एक दर्शक यश जायसवाल वाराणसी से जुड़ गए हैं, वाराणसी से मेरे एक दर्शक यश जायसवाल हैं। यश क्या नैतिक अधिकार है आप किसान आंदोलन जारी रखने का? बिल्कुल नहीं दीपक जी, ये लगता ही नहीं कि किसान आंदोलन ही कर रहे हैं, ये तो बस दो टुके की राजनीति कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि अभी एक लड़की के साथ बदतमीजी और रेप का मामला सामने आया है इतने दिनों में, और कितने हुए होंगे जो सामने नहीं आए होंगे, इसकी क्या गारंटी है? और कोरोना गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं। ले जाता हूं जगतार जी, बताइए जगतार सिंह बाजवा जुड़ गए किसान नेता, बताइए किसान नेता जगतार सिंह बाजवा जी आपके आंदोलन पर यह आरोप लगे हैं, ऐसे में तो आपको आंदोलन को वाइंड अप कर देना चाहिए, बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर आरोप, दुखद मृत्यु जैसे गंभीर आरोप। और अगर आरोपों से सफल सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि आरोप लग गया और तो आपने फाइनल कर दिया, आरोप लगा है, हमारी संवेदनाएं उस बहन के साथ है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसमें कौन दोषी है, जो भी दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन की अगर जहां तक आप बात कर रहे हैं तो कौन सा किसान नेता इसमें इन्वॉल्व है, क्या है इसकी जांच हुई? जांच तो आरोप तो देश के गृह मंत्री पर भी लगे थे, कितने साल देश चला। भाई आपकी किसान सोशल आर्मी के ही सदस्य थे, भाई आप भूल गए जगतार सिंह बाजवा आपकी किसान सोशल आर्मी के सदस्य थे, जो आपका वेबसाइट चला रहे थे, जो आपका सोशल मीडिया चला रहे थे, आप लोगों के साथ कोलकाता गए थे और उसी जेल में वापस आई है वो बेटी। वो एक एनजीओ के लोग थे, वो उसी टीम में थे, अगर उस बैंक के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके साथ संवेदना पूरे किसान मोर्चा की है, पूरे किसानों की है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। और अगर और ये किसान आंदोलन को भटकाने की, किसान आंदोलन को तोड़ने की अगर साजिश है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुनाने दीजिए, मैं इकलौती महिला हूँ, इनकी संवेदना उस बिटिया की जिंदगी वापस ला देगी, उसकी इज्जत आबरू वापस ला देगी?
उस पिता उस अरे बहन जी आप कैसी बात कर रही हो, वो कुलदीप सेंगर आपका जो बैठा जेल में वो उसकी बात करिए आप। तो आप बहन जी आपकी पार्टी तो नैतिक, आपकी पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है महिलाओं की बात करने का, क्योंकि ये आपको आपको नैतिक अधिकार नहीं है बहन। वो बहन जी आपका नैतिक अधिकार नहीं है, वो कुलदीप सेंगर से जाके मिलो, कुलदीप सेंगर से जाके मिलिए आप बहन जी जेल में। आप मेरी मेरी बहन आपको कोई अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई कुलदीप सेंगर को कश्मीर में अंदर के लोगों को बचा सकती है भारतीय जनता पार्टी। मैं आज त्वरम कोर्ट से दरख्वास्त रखूंगी मेरी बहन, मैं सीधे रमणीक मान जी के पास चलता हूँ। नूपुर जी एक मिनट रुकिए, क्या वाकई रमणीक मान जी किसान नेता आपको संवेदनशील नजर आते हैं? क्या किसान नेताओं का फर्ज ये नहीं था कि एफआईआर करते? देखो सबसे पहली बात तो दीपक भाई ये है कि मलिक साहब ने ठीक कहा कि छह लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए था, सात लोगों के ऊपर होना चाहिए था। ये योगेंद्र यादव जो है इसके ऊपर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए था। उसका कारण यह है कि योगेंद्र यादव को पूरी जानकारी थी घटनाक्रम की, योगेंद्र यादव को मालूम था कि इस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, और योगेंद्र यादव और अन्य जो किसान नेता है उनकी चुप्पी के दो तीन महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण यह है कि एडमिशन ऑफ कोरोना या कोविड 19 की मौजूदगी जो इनके टेंटों तक यानी कि बॉर्डर के ऊपर जहां पे ये लोग जमावड़ा बनाए बैठे हैं वहां तक ये पहुंच चुका है कोविड, ये उस चीज को स्वीकारना नहीं चाहते। क्यों? फिर कोविड के डर से ना तो लोग इकट्ठे होंगे, और दूसरा इनको इस बात को कबूलना पड़ेगा जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि साहब कोरोना वरोना कुछ नहीं है। जैसे अभी बाजवा साहब कह रहे थे कि ये सब सरकार की साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है, कोविड 19 वगैरह कुछ नहीं है। अगर एक महिला की अगर नहीं नहीं वहाँ के ऊपर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, आप सुनिए पहले, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो दिखाइए तस्वीरें किसान आंदोलन की, दिखाइए विवेक जी वास्तव को कि कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। बिल्कुल नहीं, वहाँ पे देखिए कोरोना आप मान के आइए 6 फीट का डिस्टेंस। विवेक जी वास्तव जी उनके खिलाफ बोलते नहीं है, आप उनके खिलाफ बोले नहीं, पूरे देश को कोरोना के हवाले कर दिया, 5 राज्यों में एक एक करके बोलिए। देखिए 95% लोग जो कुंभ में स्नान करके आए थे, 98% लोग इन्फेक्टेड है भैया, तब आप लोग बोलते नहीं मीडिया वाले। जिंगपिंग जी, अरे चाइना वालों, अरे भैया लाल झंडा एक मत करो, समझे? हाँ तुम हो जिंगपिंग जी, तुम तो हो ही खिलाफ किसानों के, वही तुम्हारे से तो क्या बात है। मैं तो हूँ, मैं तो खुले में बोलता हूँ, मैं खिलाफ हूँ किसानों के खिलाफ, मैं कम्युनिस्ट के खिलाफ हूँ, मैं इस अराजकता वादी के लोगों के खिलाफ। अरे भैया सुनो, अच्छा ऐसा है दीपक भाई, या तो इनको शूट करा लीजिए या मेरी नमस्ते ले लीजिए, दोनों में से काम कर लेते हैं। ऐसे नहीं, और जरूर ऐसे विवेक जी आप बारी पर बोलिएगा, रणदीप मान को अपना आर्गुमेंट खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभी पैनलिस्ट को, तकलीफ तो बहुत होगी पर बीच में बोलने का नहीं। अब सुनो, देखिए अराजकतावादी, हिंसावादी और अब बलात्कारी, हर किस्म का आरोप लग चुका है इन बिचौलियों के आंदोलन के ऊपर, क्योंकि किसान ना तो अराजकतावादी है ना बलात्कारी है। किसान बलात्कारी है? नहीं नहीं, क्या भारत का किसान बलात्कारी है? और जिनपिंग सुरतोला के लोग पूरे पंजाब को बदनाम करोगे? मैं की कह रहे हैं, एक सुने भी नहीं की कह रहे हैं। मेरी बात अभी विचार कीजिए ना यार, तू सुनता है? मैं कह रहा हूं कि हर किस्म का आरोप लग गया। अरे मैं कह, मैंने कहा हर किस्म का आरोप लगा है, किसान ना तो भारत का किसान बलात्कारी है, ना अराजकतावादी है, और ना हिंसक है। मैंने ये कहा, मैंने कहा ये तुम जैसे जो बीच में कम्युनिस्ट बैठे हैं ना, ये लाल झंडा पार्टी वाले, ये कुछ नहीं लोग, तुम कातिल भी हो, तुम बलात्कारी भी हो, तुम अराजकतावादी भी हो। अरे एक लड़की की मौत के बाद, एक लड़की की मौत के बाद बोलते हमें चार मोदी को बोलते बीजेपी की लीडरशिप को कि ये बलात्कारी है, क्यों नहीं बोला हाथरस के टाइम में? जब सेंगर तुम्हारी ज़हनियत में कुछ फर्क है क्या कि बीजेपी की लीडरशिप बलात्कारी है? अरे तुम्हारी ज़हनियत में कुछ तब नहीं, तुम्हारे को चुप रहने का मतलब समझ में आता है? चुप रहने का मतलब समझ में आता है? एक चुप करके बात सुनो प्लीज, हमारा बड़ा दुख हो रहा है, तुम्हारा घंटा आंदोलन, बेटी और बहन की मौत हो गई दुखद, उसके साथ बलात्कार हुआ, और आप किसान नेताओं के पक्ष में बैटिंग करते हुए चिल्ला रहे हैं।
मतलब आपने इंसानियत और आपके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। माफ कीजिएगा विवेक जी, आज ये बात बोल रहा हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पर जिस तरीके से आप चिल्ला रहे हैं और जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे सुनिए आप, मैं किसान नेता नहीं, एक मिनट ऊपर, अरे फ्रेंच बियर्ड वाले को एक मिनट चुप करा लो मेरे को, लेट मी प्लीज कंप्लीट माय पॉइंट यार सर, प्लीज सर, यू डोंट हैव अ पॉइंट, माय पॉइंट इज दिस, यू डोंट हैव अ पॉइंट, माय पॉइंट इज दिस, कंक्लूड करिए। मेरा पॉइंट ये है श्वेत मलिक जी ने कहा क्या उस लड़की की डॉक्टरी हुई, आपने पूछा पोस्टमार्टम में रेप आया, अरे आपके आंदोलन का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे और इसके अंदर कितने इसके अंदर क्राइम हुए। आप कहते हैं कि साहब ये लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, हाउ कैन यू से दैट, उस लड़की की अपने फादर के साथ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है जो ऑन रिकॉर्ड है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ना, सबको लड़की की मौत का दुख है, क्यों दे रहे हो तुम पुलिस, रमणीक मान पुलिस है, सब पता है, रमणीक मान जज है, यू आर रमणीक मान लॉयर है, रमणीक मान ये भाई यहां डिक्लेयर करेंगे क्या हुआ था, ये चश्मदीद गवाह बैठा हुआ है और किसानों के खिलाफ बोलता रहता है, कोविड की जांच किसानों के खिलाफ जबरदस्ती का इशू बना रहे हैं। जब बात करते हैं विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव एक मिनट के लिए रुक जाइए, सवित मलिक कह रहे हैं कि दो पर FIR नहीं 6 पर क्यों हो गई, वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में क्या रेप आया, मुझे नुपुर जी ये बताइए क्या कोई इतना इनसेंसिटिव हो सकता है एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए जिनकी जो इनकी कस्टोडियन में आई, किसान आंदोलन के अंदर शामिल होने आई और उसके साथ बलात्कार होती है, उसकी दुखद मृत्यु होती है और यहाँ पर ये लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये कुछ नेताओं के नाम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी बलात्कार के आरोपी नेता का पक्ष लेते हुए टीवी पे बहस करी, बिल्कुल लिया है आपने, किसी लड़की के चाल चलने एमएलए सेंगर का साथ दिया, से निकाला, चुप करो आप, उसने कितना समय उसमें वो लड़की भी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में टिकट दी आपकी पार्टी, कोई तरीका नहीं है, ये आरक्षण वादियों को अगर आप चैनल पे बुलाएंगे ऐसे ही करेंगे, नहीं है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, आज बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे तीन मर्द ऐसे बैठे हुए हैं जो बलात्कार को संगीन मानने को तैयार नहीं है, बलात्कारियों के पक्ष में चिल्लाए जा रहे हैं, तुम्हारे घर में किसी ने नहीं कहा संगीन नहीं है, अपने घर में जाकर मानते हैं वो संगीन जुर्म है, अपने घर में हम मानते हैं संगीन जुर्म है, लेकिन किसानों को मत मत करो, हम मानते हैं संगीन जुर्म है, लेकिन किसान नेताओं को मत मत करो, कोई किसान नेता भी सम्मिलित नहीं है, सब किसान नेताओं ने संगठन किया है, ये जो मेरा माफ भी चाहती है, हमारे आंदोलन को पता मत मत करिए, इसकी बेटी नहीं है, इसकी बीवी नहीं है, इसकी मां नहीं है, किसान नेताओं ने खंडन नहीं किया, किसान नेताओं ने कहा छह पर FIR क्यों हो गई, दो ही पे होनी थी, कैसे उंगली उठा सकते हैं बात के ऊपर, किसान नेताओं ने कहा छह पर FIR क्यों हो गई, दो ही पर होनी थी, समझे सुना दिया कि आपने, अगर किसी कोई बलात्कारी है मुझे बात करने दीजिए, सजा मिलनी चाहिए भारत के संविधान के, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं बलात्कारियों के साथियों की बात सुनने नहीं आई हूँ, सब लोग मत चिल्लाइए, सिर्फ नूपुर शर्मा की आवाज, सिर्फ नूपुर शर्मा की आवाज, बात होने दीजिए दीपक जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, एक तो अपराधी का साथी अपराधी होता है, इनको ये बात पता होनी चाहिए कानून के हिसाब से, दूसरी बात मैं बता दूं, एक मृतक लड़की के चाल चरित्र के ऊपर उंगली उठाना इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है, कहां गया इनका प्लाकार्ड गैंग, कहां गया इनका ओ शी वॉज अ गर्ल शी वॉज रेप, इनसे तीसरी बात पूछना चाहती हूँ, ये किसान थे कब, कौन के तिरंगे झंडे का पान कर सकता है पुलिस की वर्दी के वर्दी पहने हुए पुलिस कर्मी को मार सकता है, कौन सा अंदाजा जो यहाँ पे रेड फोर्ट पे हुआ था 26 जनवरी को ऐसी गैर कानूनी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रिस्पांसिबल है, कौन सा अंदाजा, उसके लिए आपकी पार्टी रिस्पांसिबल है, आरोप लगाए उसके लिए आपकी पार्टी रिस्पांसिबल है, कौन सा अंदाजा प्रेस के साथ बलात्कार हुआ, फंस गए हो अपना गला फाड़ सकता है, जितने आरोप लगाए हो एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, मैं आपके एक वो लड़की थी उसने ट्वीट कर दिया था 10 दिन तक ट्वीट ट्वीट चिल्लाते रहे, क्या हुआ उसका, सबसे ज्यादा बोल रहा है नीली टी शर्ट, इसके ऊपर भी फाइल खोली जाए, जो बलात्कारी के साथ में पक्ष में आज बोल रहा हूँ, ऐसा है आप लोगों की पार्टी में सबसे ज्यादा है, जो जुर्म के साथ है, खुद
आप साथ देते हो। ठीक है रूपर जी, मैं एक मिनट रुकता हूँ, समित मलिक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, समित जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। विनीत सिंह मेरे एक दर्शक लखनऊ से जुड़े हुए हैं, विनीत क्या कहेंगे इस मामले पर, क्या आप किसान आंदोलन का को जारी रखने का इनका नैतिक अधिकार है? बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना हुई ये बहुत खतरनाक है, और जो लोग इस पे बीच में दलाली कर रहे हैं और अपना अपना नाम चमकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको 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 भी सजा देनी चाहिए। ये किसी अगर ये कांड ये हादसा उनके घर पे किसी माँ बेटी के साथ हुआ होता तो उनको कैसा लगता? और ये इतनी इतनी शर्मनाक बात हो रही है यहाँ पर कि इन लोगों जरा सा भी मतलब संवेदना भावना नहीं रहेगी, ये बहुत बहुत बुरा है। और यह हर बार आंदोलन में इस तरह कुछ ना कुछ होता है, और ये कोविड गाइडलाइन जो है कोई फॉलो नहीं हो रहा है, वो भी छोड़ दिए, लेकिन किसी लड़की किसी घर की बेटी के साथ इस तरह से दुष्कर्म होगा, इसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली चीजें नहीं है ये। ठीक है, सतनाम सिंह बाज माफ कीजिएगा, मेरे साथ सतनाम सिंह सानी साथ जुड़ गया। सतनाम जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके साथी किसान नेता डिफेंड कर रहे हैं बलात्कारियों को, वो ये कह रहे हैं कि क्या लड़की का मेडिकल रिपोर्ट हुई, वो लड़की पर डाउट उठा रहे हैं कि वाकई उसके साथ बलात्कार हुआ, इससे ज्यादा शर्मनाक बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है? दीपक जी देखिए, बात पहली बात जो है, संयुक्त किसान मोर्चा इस मंदभागी घटना की पूर्ण जोरदार तरीके से निखेधी करता है, और परिवार को इंसाफ दवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पूर्ण प्रयास करेंगे। ऐसी घटना यदि वापरी है तो सबके लिए शर्मनाक है। और दूसरी बात, जो जिन आरोपियों पर आरोप लगाए हैं लड़की के फादर ने, उनके परिवार ने, वो संयुक्त किसान मोर्चे का कोई पार्ट नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के में जो चावल जथेबंदी है उनमें किसी के साथ भी उनका क्या बात करते हैं है। आपके आप लोगों के साथ वो कोलकाता गए थे सद्दाम जी, दीपक जी देखिए पहले पूरी वो जो अनिल मलिक है वो आप लोगों के साथ कोलकाता गया था आंदोलन करने, वहीं से उस बेटी को लेकर आया वो। किसी किसान संगठन का कोई मेंबर नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं भाई साहब। किसी भी पंजाब की या देश की किसी भी किसान जथेबंदी के साथ उनका कोई रिलेशनशिप आप साबित कीजिए पंजाब में, और जितने भी संगठन है किसी संगठन। ठीक है, रमणीक जी कह रहे हैं किसान नेताओं से कोई लेना देना नहीं, फिर टीकरी बॉर्डर पर टेंट क्यों लगा था इन लोगों का, बताइए रमणीक जी। हाँ जी, बोल दे वो हमारा, और जो गलत कर दे दुष्कर्म कर दे वो, या तुम मुझे लगता है रमणीक जी के मैंने ये कहा है कि भाई ये दिस इज कॉल्ड प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का अर्थ ये कि जो अच्छा लगे उसको अडॉप्ट कर लो, जो अच्छा ना लगे छोड़ दो। लखा सिदाना इनका नहीं है, दीप सिद्धू इनका नहीं था, दोबारा ले लिया। अब ये कहते हैं कि पहले देखिए क्या है कि इनको इस बात को मानना पड़ेगा, इनको अपने रिलेशन जो जत्थेबंदियों के आगू है उनको मानना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, कम्युनिस्टों के साथ इनके संबंध है। क्यों? ये अनूप चनोत जो लड़का है, अनूप चनोत हिसार में बरवाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक विधानसभा हल्का है, वहां से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, ये कैसे डिनाई कर सकते हैं? अच्छा अगर आप कहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो सारा का सारा आंदोलन है वो राजनीतिक हो चुका है, तो अब इसको आपको खत्म करने में आपका भी फायदा है, देश का भी फायदा है। अगर आपको ये लगता है ये लोग आपके नहीं है राजनीतिक लोग हैं तो इसको वाइंड अप कर दीजिए। वैसे भी एपिडेमिक एक्ट लागू है, बुरी हालत है देश की, आप हर हफ्ते ये अच्छा बताओ ये चरोनी के साथ क्या कर रहा था, ये अनिल और अनूप, ये अनिल मलिक और अनूप चरोनी, ये चरोनी के साथ क्यों घूमते थे? चरोनी आपका आदमी है या नहीं है, है कि नहीं है? अगर है तो आपको चाहिए कि आप चरूनी को भी बाहर निकालो, ऐसे लोगों को जो प्रोत्साहन देते हैं। भाई आपके साथ बंगाल में घूम रहे हैं, आपके साथ हरियाणा में घूम रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, जब ये बलात्कार कर लेते हैं ये हमारे नहीं है जी, या तो आप आई कार्ड सबको जारी कर दो कि ये हमारे हैं। अब कैसे इस बात को एक्सेप्ट करें? वहां पे कुछ भी होगा, आप तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में है, लखा सिदाना आपका नहीं है, ये बलात्कारी आपके नहीं है, वो दीप सिद्धू आपका नहीं है, आपका है कौन आखिर? आप खुद के नहीं है, आप किसान ही नहीं है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप किसान संगठनों के आगू हो सकते हैं, आप किसान आप ही हो अकेले, और मैं हैगा जी अकेले किसान हूं, छोटी विचार नाल
मैं थोड़े ना इसको बात नहीं कर रहा मैं भी आई डोंट कह रहा किसानों का पोस्टमार्टम सारे सारे किसानों ने आंदोलन का पोस्टमार्टम होना चाहिए अभी पंजाब में करेंगे अरे भैया बंगाल में सरकारी किसान 373 रुपए चली गई कौन आप जैसे लोगों ने किसान बिरादरी की क्या कर लिया आपने एक दूसरे पर मत बोलिए रणजीत जी एक मिनट रुकिए मैं समित मलिक के पास जा रहा हूं समित मलिक जी आप ये बात कैसे कह सकते हैं मतलब आपको आपको इस बात को कहते हैं शर्म आनी चाहिए कि लड़की का मेडिकल हुआ क्या लड़की के आरोप क्या हैं लड़की के बारे में क्या हुआ आप लड़की के ऊपर एक बेटी के ऊपर जिसकी बलात्कार होता है दुखद मृत्यु होती है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं समित मलिक जी ये सवाल किसान का चेहरा मतलब है क्या आप, 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 आपका जमीन कैसे बलात्कार का आरोप लगाया जो इस दुनिया में नहीं है उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं दीपक चौरसिया जी हिंदुस्तान के भारत किसान के का चेहरा है क्या प्रकार हो ये श्वेत मलिक का आप जो श्वेत मलिक आदमी है ऐसे एक हिंदुस्तान के किसान समझना चाहिए ऐसी बातें करते हैं हिंदुस्तान के किसान नहीं बैठे हो बनके हिंदुस्तान का किसान कुछ भी कह देंगे वो हो जाएगा को सपोर्ट कर सकता है क्या बलात्कारियों को डिफेंड कर सकता है क्या चिल्ला रहे हो आप किसान हो आप लाना तो किसान के दाम कहते हो मैं भी किसान हूँ लेकिन तुम जज नहीं हो तुम यहाँ फैसला नहीं सुना सकते जब तथ्यों के आधार पर फैसला होगा तुम सुना सकते हो फैसला तुम सुना सकते हो अरे तो आप कैसे जज बन गए कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे हमने उनका टेंट हटा दिया संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान क्यों दिया संयुक्त किसान मोर्चा क्या पुलिस है क्या जज है एफआईआर नहीं की तब कहा थी आप पुलिस में सवाल उठा रहे हो आप जो शर्म आती है एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ जो इस दुनिया में नहीं है जब वो उसके ऊपर उसके चरित्र के ऊपर तुम सवाल उठा रहे हो तुम किसान हो अब तुम जज हो अरे श्वेत मलिक तुम इंसान भी नहीं हो हर जगह फैल हो गए तुम इंसान भी नहीं हो छोड़ो कभी नक्सली का कभी खालिस्तानी का कभी पाकिस्तानी का अरे तुम लोग कुछ नहीं कर पाए भी संबोधित किसान है किसान तुम इस लाइन भी नहीं हो तुम्हारा नाम भी नहीं होगा इस आरोप का जवाब दीजिए कि भाई उनके ऊपर आरोप लगा आपने टेंट हटा दिया ये सही किसान मोर्चे का बयान है मेरे मोबाइल पर है कल आपने बयान निकाला एफआईआर के बाद मैं दोनों को रोकूंगा रमनीत जी समित मलिक जी दोनों रुकिए सीधे नुपुर जी के पास चलता हूँ नुपुर जी कल संयुक्त किसान मोर्चा का बयान है और उन्होंने कहा कि आरोप लगने के बाद हमने उनका टेंट हटा दिया कार्रवाई हो गई देखिए ये कोई जज नहीं है लेकिन मैं तीन चीज कहूंगी ये भाई साहब ये रमनीत जी के पहले जो बोल रहे थे ये केवल पंजाब पंजाब की बात कर रहे थे तो अब कल से कह दीजिएगा राकेश टिकैत आपके नहीं है वो पंजाब से नहीं है योगेंद्र यादव आपके नहीं है वो पंजाब से नहीं है दोनों को रोकूंगा सबको रोकूंगा फिर नुपुर शर्मा जी की आवाज समित जी बीच में मत बोलिए आपको पूरा मौका दिया मैंने आपके दर्शकों को ये देख के बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होनी चाहिए कि जो एक महिला को बोलने नहीं देंगे वो इसको क्या वस्तु समझते होंगे क्योंकि लोग जहां जहां जा रहे हैं देश भर में जरा इस चीज की जांच पड़ताल हो कि किस तरीके से इनका झुंड का झुंड लड़कियां उठाता है और ये किस तरीके का क्या ये बलात्कार और क्या ये कोविड से जो लड़की थी यंग लड़की की मृत्यु होगी ये हरियाणा में आ गए कोई पंजाब में आएगा फिर कहेंगे यूपी से राकेश टिकैत है और देखिए अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल में जाके लड़की उठा के उसका बलात्कार कर दिया तीसरी बात मैं इतना पूछना चाहूंगी असल किसान तो खेत में है बलात्कारियों के साथ ही टीवी के ऊपर बड़बड़ा रहे हैं और एक एक महिला को बोलने नहीं दे रहे इनके जहन में इनके दिल दिमाग में आपको लगता है इज्जत होगी जो एक मृतक लड़की की आप पार्टी में बारे कितने बड़े बड़े गुनाहगार हैं जिनको गंगाजल में बॉडी के बारे में आपने शूट कर दिया है वो भी बहुत शर्म करो लानत है आपके ऊपर बलात्कारी आपके पार्टी में बैठे हुए हैं इज्जत नहीं करते जो यौन शोषण वाले बैठे हुए हैं लिसन टू मी यू आर आपकी पार्टी में चला जाता है वो शूट हो जाता है यू आर आंदोलन को कमजोर करने के लिए आप कितना नीचे जाओगे आप लोग किसान को तोड़ नहीं पाए किसान को खरीद नहीं पाए किसान हटने वाला नहीं है जो कर लो आपने नक्सली कहा देशद्रोही कहा लगेगी आपको आपने जो करना था सब कर लिया ये आपने हिंदू मुस्लिम वाला पाठ पढ़ा था आपके बस की कुछ नहीं है अगर देश को बचाना है तो इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाओ खुद बलात्कार जैसे अपराध के ऊपर आके
जोर जोर से चिल्लाता है वो पहले। आपके बस की कुछ नहीं है, पार्टी को इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ, इस देश को सेना संभालेगी, चार दिन में पूरा कोरोना ठीक हो जाएगा। मैं फिर से कहूंगी, मैं आगाज लगाऊंगी एक लड़की की तरह कि माय लॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में बैठने वाले इन लोगों को माफ मत करना, इनके हाथ में बलात्कार और खून है। बिल्कुल 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 नहीं माफ करना चाहिए बलात्कारियों को। दीपक चौरसिया जी, जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। 116 और वो और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पत्नी को टिकट देगी, ठीक है? बहुत अच्छा। 1 मिनट नोपोर सविद जी, 1 मिनट में विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, आपको अभी भी लगता है इनके पास नैतिक अधिकार है आंदोलन करने का? जवाब दीजिए। मैं बड़ा स्पष्ट, जिस आंदोलन के हाथ एक लड़की के बलात्कार और खून से सने हैं, क्या उनके पास अब अधिकार बचता है? बताइए सर। मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए। इस देश की हर लड़की बहुमूल्य है, इस देश की हर लड़की को सुरक्षित रहना चाहिए। कोई भी लड़की हो, किसी पार्टी, कोई आंदोलन हो, उसके साथ अगर बुरा हुआ है तो बुरा है और हमें मानना चाहिए कि बुरा है और एक्शन होना चाहिए। मैं नहीं डिफेंड कर रहा किसी बलात्कारी को, लेकिन अगर एक हादसा होता है, लोग अभी लड़की को डिफेंड कर रहे थे और उनको आप डिफेंड कर रहे थे, विवेक की बात तो जी माफ कीजिएगा, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर में जो एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं उनको। और 20 सांसद लेकिन सुनिए पहले, लेकिन अगर एक लड़की के साथ बुरा हुआ है उसकी आड़ में किसानों को बदनाम करना गलत है। हरियाणा का आंदोलन एक लड़की के साथ बुरा हुआ है, हम मानते हैं। 116 सांसद में किसानों को बदनाम करना, 116 सांसदों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, किसान और 20 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर रैप के मुकदमे चल रहे हैं। साहब एक दूसरे पर मत बोलिए, ममता काले जी के पास चलूंगा। नुपुर जी प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं सीधे ममता काले के पास चलूंगा। ममता काले जी, तर्क दिया जा रहा है, क्या लड़की का मेडिकल हुआ? 10 दिन बाद FIR क्यों हुई? लड़की की दुखद मृत्यु हो चुकी है, किसान आंदोलन से इनका क्या लेना देना? ये तो आंदोलनकारी थे ही नहीं, जो आंदोलन में इनके साथ कोलकाता गए, कोलकाता से वापस आए, इन लोगों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। 2 लोगों के खिलाफ आरोप था, 6 लोगों के खिलाफ FIR क्यों हो गई? ये तर्क दिए जा रहे हैं। धन्यवाद दीपक जी। देखिए, बहुत ही शर्मनाक और सेंसिटिव मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और मुझे दुख हो रहा है कि किस प्रकार से इस पैनल पर बैठे हुए मेरे भाई इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उस लड़की की, 25 वर्ष की उस लड़की की आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो सोच रही होगी कि राजनीति उसकी लाश पर, उसकी मौत पर और उसकी अस्मिता पर करते हुए किसी के दिल में दर्द नहीं हो रहा है। वेस्ट बंगाल से 25 साल की लड़की लाई जाती है संयुक्त किसान मोर्चे के साथ के मदद के लिए, वहां पर बिठाते हैं, उसके बाद उसका रेप होता है और आज उस लड़की को, उसके परिवार को, उसकी अस्मिता को, उसकी मृत्यु को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? उसको कटघरे में खड़ा करके किसानों को बुरा नाम दे रही है, हुई बेटी को दुखद है, बदनाम करेगा। चुप हो जाइए, कोई भी इस घटना ना आप उस लड़की का, आप उस लड़की का इस्तेमाल, भारतीय जनता पार्टी उस लड़की का इस्तेमाल कर रही है किसानों को बुरा नाम देने के लिए, किसानों के नेताओं को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आप इस आंदोलन को रोक नहीं पाए, आप फेल हो गए। किसानों ने आपको फेल कर दिया और जब इस देश के किसानों ने आपको फेल किया तो आप इस लड़की की आड़ में विवेक जी बीच में मत बोलिए प्लीज। करेंगे उसकी मौत के बाद दीपक जी, इनको बोलिए ना कि थोड़ी सी तो संवेदना दिखाएं। दीपक जी नहीं, संवेदना थोड़ा सा तो सोचे। आप संवेदना नहीं दिखा रहे हैं, आप करने एक महिला की बात हो रही है, स्वामी चिन्मयानंदा के बारे में बात करिए मुझसे, जो नरेंद्र मोदी के दोस्त थे उनके बारे में बात करिए मुझसे, आप सिंगा जो आपकी पार्टी का एमएलए था जिसकी बीवी को टिकट दिया उसके बारे में बात करिए आप मुझसे। भारतीय जनता पार्टी की शक्ल नहीं है कि वो विमेन इश्यूज के ऊपर बोले। हम बिल्कुल लेफ्ट भी हैं और लिबरल भी हैं और महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन आप महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर को सेटल करने के लिए। विवेक जी बात तो जी, मैं आपको ऑडियो डाउन करूंगा, फिर दिक्कत होगी। नीलाम करते हो और फिर इतने गंदी तरीके से आप लोग आकर के पैनल पर बात करते हो, इस तरीके से आप बात करते हो, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आप सोचिए, आप एक महिला को पैनल पर बोलने नहीं दे रहे हैं तो आप महिलाओं की क्या इज्जत करते होंगे, क्या इज्जत रखते हैं आप महिलाओं की, ये दर्शा रहे हैं। भाई साहब, बहुत अच्छा किया आपने अपना स्वरूप दिखाया, आज आपने दिखा दिया कि आपके क्या
हम आपकी साजिश को जानते हैं, पूरी पब्लिक आपकी साजिश को जानती है कि आपकी लड़की में आपका ना कोई इंटरेस्ट है ना संवेदना। आपका इंटरेस्ट है कि नरेंद्र मोदी किसी तरीके से किसानों को बदनाम करे और किसानों का आंदोलन खत्म करने के लिए आपको टिकट मिले, होने नहीं वाला है। इज्जत लूट रहे हैं वो बिचारी बच्ची, बिल्कुल नहीं आई थी आप लोग, बिल्कुल नहीं, कोई लूट रहा है। इतने समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, हर महिला का सम्मान हुआ है, हर महिला का सम्मान हुआ है किसान आंदोलन में। इतनी महिलाओं वहाँ बैठी है, इतनी महिलाओं ने मोदी के खिलाफ गाने गाए हैं, इतनी महिलाओं ने वहाँ पे संघर्ष किया है। भाई साहब आपके अंदर इंसानियत है आपके अंदर क्या? थोड़ा सा इंसानियत आपके अंदर है? मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन कर रही हूं, आपने भी एक विवेक जी मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा, मैं सीधे सवित मलिक जी के पास जा रहा हूं। सवित मलिक जी, जब क्या ये हकीकत नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा के डेलीगेशन के साथ 25 साल की वो बहन कोलकाता से आई थी, क्या इसको डिनाई करेंगे आप? दीपक चौरसिया जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकारों में, मैंने पहले भी कहा आपके साथ के बहुत कम लोग हैं, आपको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर लड़की आई अपनी इच्छा से आई, वो घर वालों के टच में थी, उसके पिताजी भी आ गए हॉस्पिटल में, उनके सामने उनका निधन हो गया, और ये हमारी बहन आके बोल रही है, हमको बोलने नहीं दे रही, अगर ये झूठ बोलेंगी गलत बोलेंगी तो इसको कोई ना टोके, अगर इनको इतनी संवेदना है 116 सांसद इनके जो है, हेलो मिस्टर सवित मलिक, क्या आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के डेलीगेशन के साथ वो नहीं आई थी, वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ ट्रेन में आई थी जहां पर सबसे पहली बार उसका बलात्कार हुआ? सवित मलिक जी, इसको डिनाई करेंगे आप? बताइए, किसान मोर्चा के जो 40 लोग हैं वो कोई उसमें नहीं था, और ये जो कह रही है 26 इनके रैपिड सांसद है, झूठ बोल रहे हैं। अब ये सबसे झूठ है सवित मलिक जी। आप दीपक चौरसिया जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, जो जो सवित मलिक जी मैं कह रहा हूँ, वो दोनों आपके सोशल मीडिया के, रमणीक मान जी किसान मोर्चा, ये कह रहे हैं कि 40 लोगों में नहीं थे तो ट्रेन में कैसे आए उनके साथ, इनसे पूछिए रमणीक मान जी, ट्रेन में कैसे आए उनके साथ, बताइए। मैं दो तीन बातें पूछता हूं, उनका बात उनका उत्तर दीजिएगा प्लीज, आपका बहुत मैं आभारी आपका आभार व्यक्त करूंगा। पहले तो मैं एक बात वाजे तौर पे कहना चाहता हूं, देयर इज नो गुड रेप एंड देयर इज नो बैड रेप, एवरी रेप इज अ बैड रेप। दूसरी बात, ये जो लड़की बंगाल से यहां पे आई उसको बीजेपी वाले लेके आए थे क्या? और ये जो टेंट था जिसके अंदर उस लड़की का बलात्कार हुआ वो टेंट बीजेपी वालों का था क्या? और तीसरा, ये आंदोलन बीजेपी वालों ने खड़ा कर रखा है क्या? हो सकता है, अरे सुन ले यार, हां वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एक आदमी, अरे कौन सी थ्योरिस्ट, एक मिनट मैं बता रहा हूं, मैं इन बातों का उत्तर भी दूंगा, रुक जाइए आप। तीसरा, ये कोरोना जो है ये भारत के ऊपर जो नाजिल हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने तो नहीं बढ़ा दिया कहीं बैठ के ऑफिस में? और आखिरी बात, ये आप 40 लोगों की बात करते हो तो तुम्हारा अली बाबा कौन है भाई? कौन है तुम्हारा अली बाबा? वो दाढ़ी वाला, ठीक है, अली बाबा है, तुम्हारे मैंने लिया तुम्हारे से पंगा, तुम्हारे कुछ नहीं है, खुले में लिया, जो उखाड़ो उखाड़ो, तुम पोस्टमार्टम करोगे किसानों का? हां होना चाहिए किसान आंदोलन का। अरे यार घर में बैठे रहते हो, कहीं आना ना जाना, तुम्हारे दिमाग में फर्क है कुछ, थोड़ा सा काम में भी आ गया क्या? तड़प तड़प के मर रहे हैं, सुनते कम हो, उनकी सेवा करने का ये किसान आंदोलन का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए, और ये राजनीति की विश्लेषक ना लिखा करो, हमारे को सुनता कम है, बीजेपी लिखा करो, ये बताओ पद ना जा रहे हो, बताओ हम सिफारिश करते हैं अनूप चंदोत है ये आम आदमी पार्टी का है या नहीं है? इसका मतलब है कि तुमने किसान सोशल आर्मी बना के तुमने अलग अलग लोगों को यहाँ पे लाके इकट्ठे कर दिया, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आके यहाँ पे इकट्ठे हो गए, मंत्री के घर में था। अरे भैया सुन, अरे सुनो यार, सुनो क्या चिकन चिकन लगा रखी है, या तो तुम्हारे को बात बुरी लगे, मैंने कहा था किसानों की बुराई करनी है, किसान का कोई तुम्हारी कुछ नहीं करूंगा, मैं बलात्कारी किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हर उस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, हर उस एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, हर उस अनाजकताबाजी की, हर उस कम्युनिस्ट की, हर उस बलात्कारी की, हर उस क्रिमिनल की,
मैं करूंगा खिलाफत, हजार बार करूंगा। करते होता, क्यों बीजेपी का पक्ष ले रहे हो? की तोहिन करेगा उसकी खिलाफत करूंगा। 116 सांसद किसानों को बदनाम करेगा, तुम जैसे लोग। मैं दोनों को रोक रहा हूं, समित जी, समित जी, मुझे मुझे मतलब समित जी, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से जानता हूँ समित मलिक जी, लेकिन आज आपका आपका बयान सुनकर मुझे दुख हो रहा है। आप कैसे ये सवाल उठा सकते हैं कि लड़की का क्या मेडिकल हुआ, लड़की ने क्या आरोप लगाए, 8 दिन बाद FIR क्यों कराई, क्या किसी ने उसको भरमा दिया था? मतलब आश्चर्य हो रहा है मुझे आपका आर्गुमेंट सुनके। मैं सीधे गोपाल अग्रवाल जी के पास चलूंगा। गोपाल अग्रवाल जी, क्या इनके पास नैतिक अधिकार है अब आंदोलन करने का, जिस आंदोलन के बैनर तले, जिसके टेंट के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिस तरह की ये घटना हुई, उसके लिए शर्मसार होने के लिए उस माँ बाप और भैया बाप से और पूरे देश से माफी मांगने की बजाय ये श्वेत मलिक और ये सब लोग इस तरह से उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि यह लोग उस पूरे क्राइम में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट क्राइम किया नहीं किया यह इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन उसको छुपाना, दबाना और वैसा माहौल क्रिएट करना, यह पूरा इकोसिस्टम जो इन लोगों ने क्रिमिनल्स का वहाँ पे इकट्ठा कर रखा है टिकरी बॉर्डर पे, वह पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी है। अगर इसकी जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे तो इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये। कि जो इतिहास, दीपक चौरसिया जी, इतिहास है आजाद भारत में सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा क्राइम और सबसे ज्यादा बलात्कारी इस बीजेपी पार्टी में है, जो ये बात बताने बैठे नेशनल चैनल पे। अरे खुद शर्म करो, खुद चुल्लू भर पानी में। अरे सर, आप तो किसान लोग हैं, आप क्यों राजनीतिक बात कर रहे हैं? माफी मांग लीजिए ना बेटी की मौत और बलात्कार पर। समित मलिक जी, माफी मांग लीजिए देश से, माफ कर देगी जनता। मौत हुई है बेटी की, मौत हुई है इतिहास में। पूछिए उसके पिताजी ने FIR किया, बलात्कार हुआ है, भरे हुए। इसका मतलब आपको शर्म नहीं आ रही? आप पहले इस बात का जो ये जो दुर्दस्त कृत्य हुआ है यहाँ पे, सेंगर जी की शर्म काट दिया है, तो उसमें शर्म नहीं आती गोपाल जी? और क्या बात है, बाबू के साथ जो नरेंद्र मोदी डांस करते हैं उसमें शर्म नहीं आती आपको? अरे हमें हाथरस की पेटी में शर्म नहीं आती? मैं सबको रोकूंगा, ममता काले से शुरुआत करूंगा, सानी जी भी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी चलूंगा ब्रेक के बाद।